यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस जल्दी से जाओ, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो गाइस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, टगन बॉस और एल रूबियो हमारे से रेस में हिस्सा लेने के लिए आ रखे थे, जिसमें हमने भाई आराम से रेस को जीत लिया था। उसके बाद मैं एक बंदे के घर पे जाता हूँ जो मुझे 200 मिलियन डॉलर की पेमेंट कर रहा होता है। उतने में ही टगन बॉस का कोई आदमी आता है, उसके मुंह पे स्नाइपर बजा के उसको खत्म कर देता है। देन उसके बाद एक जो कार चोर था ना, वो भी मेरे से पंगे लेने के लिए आ जाता है। बिना मतलब के माइकल के साथ पंगे ले रहा होता है, तो माइकल भाई उसको एकदम से पकड़ता है और उसकी लाश को जिंदा जला देता है। जब मैं उसके जेब में से फोन निकालता हूँ ना, तो भाई मुझे ये वीडियो देखने को मिलती है कि जिम्मी को किडनैप कर रखा है टगन बॉस के आदमियों ने, पता नहीं कहाँ पे। उसके भाई उसको एकदम से इतना डरा रहे हैं जिमी को, मतलब मेरी पूरी फैमिली किडनैप है, बट उन्होंने मुझे जिमी की ही वीडियो भेजी है। और जिमी की हालत आप लोग लिटरली देख पा रहे हो, कितनी ज़्यादा बुरी हो रखी है। उसके बाद भाई माइकल जो है ना, बहुत ज़्यादा तड़प चुका है जिमी को बचाने के लिए। तो भाई अभी तो हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैंने जो 200 मिलियन डॉलर उस रेस में से जीते थे ना, मैं उसमें से थोड़े से पैसे अपने साथ में लेके आ चुका हूँ, जिससे मैं थोड़े से अपने लिए वेपन्स खरीदूंगा। भाई वेपन्स लेके ना, उसके बाद मैं अभी जाने वाला हूँ लेस्टर से मिलने। लेस्टर मेरे को उसकी लोकेशन बताएगा, जिमी की लोकेशन लेस्टर ही मेरे को बता सकता है, क्योंकि लेस्टर के अलावा मुझे और कोई जिमी की लोकेशन नहीं बता सकता। और माइकल भाई आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। माइकल ने ट्रेवर को भी कॉल किया था, बट गाइस ट्रेवर लिबर्टी सिटी में गया हुआ है, पता नहीं क्यों भाई वो आजकल हमारी किसी भी काम नहीं आ रहा ट्रेवर। तो कोई बात नहीं गाइस, बाद में देख लेंगे ट्रेवर को भी। तो अभी यार गाइस मेरे को सबसे पहले अपने लिए लेने हैं खतरनाक वेपन्स, उन वेपन से ही मैं जिमी को बचा सकता हूँ। भाई जिमी अब तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस चुका है, मुझे जिमी को बचाना पड़ेगा। भाई ध्यान से आ जाना भाई, तेरे को क्या पता कितनी महंगी गाड़ी है, बिना मतलब के ठोक देता। तो चलो गाइस मैं जल्दी से अभी निकलता हूँ, एम्यूनेशन के लिए। तो गाइस बाकी यार आप लोग लिटरली ये गाड़ी देख पा रहे हो, कितनी बढ़िया भाई बैनी ने मॉडिफाई करी है ये गाड़ी, और गाइस क्या ही बढ़िया चलती है भाई ये गाड़ी। हाँ मानता हूँ गाइस इस गाड़ी की स्पीड नहीं है, बट फिर भी गाइस गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लुक दे रही है। तो आप देख पा रहे हो भाई क्या ही बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस यार गाड़ी की बात अभी नहीं करते, अभी सिर्फ मुझे जिमी को बचाना है और अपनी फैमिली को बचाना है। सबसे बड़ा काम है अपनी फैमिली को बचाना, मैं काफ़ी टाइम से अपनी फैमिली को बचा नहीं रहा था, बट गाइस अभी तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो चुकी है। अब ये मेरी फैमिली के ऊपर ऐसे मारा धाड़ी कर रहे हैं, तो अभी मुझे अपनी फैमिली को बचाना ही पड़ेगा। तो बाकी गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अपने लिए ना सारे भर के वेपन्स ले लेते हैं, अभी तो यार हमारे पास कोई वेपन नहीं है। तो ओके भाई जी हमको सारे वेपन्स दे दो यार। तो ओके गाइस यार इस बंदे ने मेरे से बहुत सारे पैसे ले लिए, और लिटरली देख पा रहे हो भाई इस बंदे ने मेरे को कितने सारे वेपन्स दे दिए। और हाँ गाइस हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब जितने अपने साथ में लेके आया था उतने तो गाइस ख़त्म हो ही चुके हैं। तो चलो गाइस अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ लेस्टर के घर पे, और ये लोकेशन पता करवाने के लिए लेस्टर को ये वीडियो दिखानी पड़ेगी, जिससे वो मेरे को इस ये लोकेशन बताएगा ये लोकेशन कौन सी है। तो लोकेशन पता करते ही मैं अकेला ही जाने वाला हूँ अटैक करने, क्योंकि गाइस यार ड्राइवर तो अभी कोई काम नहीं आ रहा। और भाई मैंने आज फ्रैंकलिन को कॉल ही नहीं किया, मुझे लग रहा था मुझे फ्रैंकलिन को कॉल कर लेना चाहिए था, बट मैंने फ्रैंकलिन को कॉल नहीं किया, और इतने सारे टेररिस्ट थे ना, आज मैं अकेला ही भिड़ने जा रहा हूँ। हमने वेपन्स ले लिए बहुत सारे, तो कुछ ना कुछ तरकीब लगा के ही मुझे जिमी को बचाना पड़ेगा। बाकी हाँ गाइस मैं जल्दी से निकलता हूँ लेस्टर के घर की तरफ। तो ओके गाइस यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और गाइस मुझे अभी यहाँ पे यार ये गाड़ी ना एक तो बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बट गाइस इस गाड़ी की हैंडलिंग ना बहुत ही मस्त है, क्योंकि यार भाई
बैनी ने मॉडिफाई करी है। आप लोगों ने देखा था ये गाड़ी कितनी कबाड़ा थी, बट जब बैनी ने इसको मॉडिफाई करा क्या ही बेहतरीन लगने लग गई। तो मुझे भाई जब मैंने उस बंदे को मारा ना कार थीफ को, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कार थीफ के मोबाइल में जिमी की वीडियो कैसे आई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या पता कार थीफ जो था वो भाई वो भी डगन बॉस के लिए काम तो नहीं कर रहा था यार। अगर भाई अभी डगन बॉस हमको मिला तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं गाइस, बाद में देखे जाएगा। तो फिलहाल तो अभी मुझे पहले मुझे लेस्टर से मिलने जाना है, लेस्टर ही मुझे बताएगा भाई क्या करना है क्या नहीं, ये कौन सी लोकेशन है और जिमी की लोकेशन कहाँ पे, वो मुझे सारा कुछ लेस्टर ही बताएगा। चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता आ तो चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा दूर तक, और मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है थोड़ा सा। भाई सब ध्यान से चल रहे, गाड़ी नहीं ठुकनी चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ से मेरे को थोड़ा सा आगे जाना है। और तो बाकी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं लेस्टर के घर पे, और यहाँ पे मेरे को ओह हेलो भाई, मुझे ये ब्लैक ऑप्स की गाड़ियाँ और सामने ब्लैक ऑप्स के बंदे क्या कर रहे हैं। वेट अ मिनट, एक सेकंड, मुझे अपनी गाड़ी को ना यहाँ पे कहीं पे छुपाना पड़ेगा। भाई अभी लेस्टर के घर पे किसका पंगा हो गया यार, ये भाई जितने पंगों में से हम निकलना चाहते हैं ना उतने ही पंगे हमारे ऊपर आते जा रहे हैं। वेट अ मिनट भाई, एक सेकंड, मुझे ना यहाँ से अपने किसी दूसरे के घर के ऊपर चढ़ के पहले देखना पड़ेगा। भाई यार इधर से नहीं चढ़ जाएगा, पहले मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वेट अ मिनट, अभी ये मुझे देख ना ले कहीं से, एक सेकंड। चल भाई ऐसे निकलते हैं। ये भाई कहाँ पे कौन है भाई, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। तो गाइज मैं ना अभी लेस्टर के घर के पीछे हूँ। वेट, मुझे ऊपर इसके ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब मुझे किसी ने अभी देखा तो नहीं है। भाई साहब ये तो ट्रक व्रक लेके पहुँचे यहाँ पे, भाई भाई करना क्या चाहते हैं। वेट अ मिनट, मुझे देखने दो। भाई साहब कितने सारे आ रखे हैं, ये तो ये गेट खड़काने की मतलब गेट नॉक करने की भी आवाज़ आ रही है। वेट अ मिनट भाई, लेस्टर को किडनैप तो नहीं करने आए ये सब, भाई ये तो डगन बॉस के लिए काम करते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ तो स्कीम लगानी पड़ेगी। मैं ना भाई एक काम करता हूँ, तो गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ स्टिकी बम ताकि इनका ध्यान भटक जाए, और मैं ऊपर से ना एकदम से इनके ऊपर फायर करके यहाँ पे ब्लास्ट करूँगा इनकी गाड़ियाँ। भैंस की, इनको पता लग गया। ओ भाई 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 भाई, इनको पता लग गया कि मैं हूँ यहाँ पे, माइकल आया यहाँ पे। वेट अ मिनट भाई, पंगा हो गया यहाँ पे। तो एक सेकेंड भाई, आ रहा है बंदा, आ रहा है, एक सेकेंड। चल तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब बंद, इनको पता चल गया। ओ नहीं 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 नहीं, कहाँ है, एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, भाई साहब इनको पता चल गया, जो मैंने तरकीब लगाई थी उनको पता चल गया। भाई यार नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, ये मरने पे ही नहीं आ रहे भाई, क्या ही बेस्ट लगा रखा इन्होंने। और काफ़ी सारे बंदे तो भाई भम धमाके से ही मर गए। एक सेकंड, निकल यहाँ से, मुझे गन ना दूसरी लेनी पड़ेगी, इससे तो नहीं मरने वाले ये। एक सेकंड, तू भी निकल, तेरी ऐसी की तैसी, तू भी निकल यहाँ से। ना 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 ना, मुझे यहाँ से कवर लेके इनको मारना पड़ेगा। ओ भाई भाई, ये तो ग्रेनेड फायर कर रहे थे क्या। एक सेकंड, कहाँ है। ओ भाई भाई, चल तेरे हेडशॉट मारा मैंने। भाई साहब ये तो मुझे लग रहा पक्का आज लेस्टर को उठाने के लिए आए थे यहाँ पे। यहाँ पे पंगा हो गया हमारा बिना मतलब का। भाई मैं जितना चाहता हूँ ना ये पंगों में से निकलूँ, उतना ही पंगे में फंसता जा रहा हूँ। कोई ना, ये ब्लैक ऑप्स की गाड़ियाँ ना भाई, ये नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। तेरी ऐसी तैसी, भाई साहब देख रहे हो गाइस, गाड़ी फटने पे ही नहीं आ रही हो भाई भाई। चल तेरी भी। और ये गाड़ी मुझे लग रहा है टैंक लेके आए थे क्या। ओए नहीं 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 नहीं, टैंक तो नहीं है भाई, बाकी सारे बंदे मर गए। एक सेकंड, मुझे लग रहा है ये अभी फटा नहीं है क्या। फट गया है भाई, बिल्कुल फट गया है। तो गाइस बस इतने बंदे थे क्या। तो बाकी हाँ गाइस, हमने यहाँ पे सबको ख़त्म कर दिया है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं भाई लेस्टर को मिलने, देखते हैं भाई लेस्टर अभी क्या बोल रहा है। तो लेस्टर से अभी जिमी की लोकेशन निकालते हैं। तो भाई मैं गेट खड़का रहा हूँ यार, ये लेस्टर गेट नहीं खोल रहा, इसकी ऐसी की जैसी भाई।
तो भाई देख रहे हो भाई, जिमी ने कैसे भाई माइकल ने इसको क्या मिडिल फिंगर दिखाई, तब इसने जाके गेट ओपन करा। तो चलो गाइस अभी ना इससे यार लेस्टर से बात कर लेते हैं कि कैसे हमको जिमी की लोकेशन पता चलेगी यार। तो बाकी यार गाइस, हाँ माइकल जो है भाई देख पा रहे हो कितने शांत स्वभाव का है भाई, कितने शांति से बात कर रहा है कि मुझे जिमी की लोकेशन चाहिए। कैसे प्यार से बात कर रहा है गाइस, आप लोग लिटरली देख पा रहे हो। तो बाकी बात कर रहे हैं भाई दोनों जाने, माइकल बोल रहा है कि यार लोकेशन बता दे जिमी की। तो भाई जैसे ही मतलब लेस्टर जो है वो पूरा अभी सर्च करेगा उस लोकेशन के ऊपर, तो लेस्टर बोल रहा है कि तुम अभी चले जाओ। तो मैंने लेस्टर को वो वीडियो जो है उसको भेज दिया है। लेस्टर बोल रहा है कि मैं वो वीडियो और जिमी का जो मोबाइल जो लास्ट टाइम पे ऑन हुआ था, तो उस बेसिस पे लोकेशन पता करेगा। अभी माइकल बोल रहा है यार पता नहीं इस चीज को कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। तो बाकी यार लेस्टर अपना लग चुका है काम में। बाकी भाई देख पा रहे हो भाई, तो बाकी गाइस यार मेरे को ना लेस्टर ने थोड़े से पैसे डाल के दिए हैं इस बैग में, और वो बोल रहा है कि तुमको इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो तुम ये बैग अपने साथ लेके जाओ। इसमें ज्यादा पैसे तो नहीं है बट उतने पैसे हैं कि हमारी अगर थोड़ी मोटी नीड होगी पैसों की वो पूरी हो जाएगी। तो बाकी हाँ गाइस, मैंने अपनी गाड़ी उधर पार्क करी थी, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और भाई जल्दी से चलते हैं। भाई मैंने गाड़ी इधर पार्क करी थी कि किधर पार्क करी थी अभी मेरे को यार ये भी मैं भूल गया हूँ। अबे नहीं यार कहाँ पे भाई, कितना टाइम वेस्ट हो गया यार, गाड़ी मैंने उधर पार्क करी थी, खामा इधर आ गया। चलो गाइस यार मैं बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, मतलब गाड़ी मुझे पता इधर ही पार्क करी थी मैंने, भैंस की मैंने तो इधर ही पार्क करी थी। भाई गाड़ी कहाँ गई? ओ भाई 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 साहब देख रहे हो भाई, मैंने तो ब्रेक लगाना ही भूल गया और भाई गाड़ी गाड़ी पीछे से रुड़ गई भाई, पीछे से मतलब ब्रेक लगानी भूल गया तो वो पीछे पीछे जाती गई। तो बाकी हाँ गाइस, तो जल्दी से चलता हूँ मैं उसी लोकेशन पे। बाकी मेरे को लेस्टर बोल रहा है मुझे थोड़ा सा शक है वही लोकेशन है, पक्का श्योर नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, हम जब तक उस लोकेशन पे पहुँचते हैं लेस्टर मेरे को बोल रहा है मैं पूरी लाइव लोकेशन तुमको इसको पूरा चेक करके भेज दूंगा। तो चलो गाइस मैं जल्दी से निकलता हूँ अपनी गाड़ी को लेके। तो ओके गाइस यार मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। बट ओ भाई भाई ये बंदा, एक सेकंड, ये बंदा कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, ये दोनों मोटे कुछ ज्यादा ही चौड़े हो रहे हैं, तेरी ऐसी की तैसी, तू मारेगा मुझे आके। आ भाई चल भाई, उसको तो ट्रक वाले ने नीचे दे दिया। बट भाई ये अभी भी पंगा ले रहा है भाई, गलती से ठुक गई गाड़ी, मैंने कौन सा जानबूझ के ठोकी थी जो कि तुम लोग मेरे से पंगा लेने आ गए। चलो मरो भाई, सब और बंदे आ रहे हैं। ओ भाई मेरे से और बंदे आ रहे हैं लड़ने के लिए, कोई ना आओ जितने आते हो तुम लोग की ऐसी की तैसी। चल भाई ये भी गया बिना मतलब के भाई, चौड़े हो रहे फिर क्या होगा, गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई तो ऐसे बिना मतलब के। तो गाइज मैंने अपना बैग जो है ना वो इस गाड़ी के अंदर रख दिया है। तो गाइज अभी मेरे को एक चीज़ याद आई भाई, हम इतनी बड़ी फाइट करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा था भाई उन्होंने जिमी का क्या हाल कर रखा है। तो इतनी बड़ी फाइट में जाने से पहले मुझे अपने लिए आर्मर लेना पड़ेगा। जो लिबर्टी सिटी का आर्मर था ना भाई वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है भाई, बहुत हमने लड़ाई करी है उस लिबर्टी सिटी वाले आर्मर से। बाकी वो भी हम इम्पोर्ट करवाएंगे, बाकी अभी छोटा मोटा कोई ना कोई मुझे आर्मर लेना पड़ेगा, मेरे अभी याद आया। और भाई हमारे पास तो बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे भाई, ये तो लेस्टर ने हमको पैसे दिए। गाइस यार लेस्टर बहुत ओपी है यार, गाइस लेस्टर ओपी कमेंट में कर दो यार, एक बार लेस्टर ओपी लिख दो कमेंट में यार। तो बाकी गाइस यार इस वीडियो का एम रख रहा हूँ मैं गाइस ओनली 10,000 लाइक का, जो कि मुझे पता है आप लोग जल्दी से कंप्लीट करवा दोगे, और ओनली 1,000 कमेंट का मैं एम रख रहा हूँ, ठीक है वो भी कंप्लीट करवा दो यार। और जल्दी से जाओ गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि यार मजा ही आ जाए। जितनी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना उतनी ही जल्दी माइकल डगन बॉस और एल रूबियो इन दोनों को खत्म करने वाला है। तो जल्दी से जाओ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस मुझे जल्दी से अभी एम्यूनेशन पे जाना होगा, और एम्यूनेशन से मैं अपने लिए एक आर्मर खरीद लूँ, पहले भी गया था तब भूल भी गया था और ऊपर से पैसे भी नहीं थे हमारे पास, बाकी अभी याद आ चुका है और इस बार पैसे भी हैं थोड़े से जो लेस्टर ने हमको दिए हैं। बाकी ओ भाई भाई साहब यार ये गाड़ी की बुरी हालत कर देंगे, कोई बात नहीं यार ये तो बैनी से मैं आराम से ठीक करवा लूँगा।
कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एम्यूनेशन पे। सबसे पहले अपने लिए एक आर्मर खरीद लेते हैं भाई, एम्यूनेशन। ओ भाई साहब इधर एम्यूनेशन, तो अपने लिए एक आर्मर ले लेता हूँ यार मैं जल्दी से। तो ओके गाइस यार, हमने अपने लिए एक आर्मर ले लिया है और अभी तक ना मुझे भाई लेस्टर ने लोकेशन भी नहीं भेजी है। तो मैं अभी ना लेस्टर को एक बार कॉल करके बोल देता हूँ, भाई लोकेशन कहाँ रह गई मेरे को, तू अभी तक लोकेशन नहीं भेजी, और वहाँ पे जाके मुझे गंदी वाली फाइट भी करनी है। तो मैं जल्दी से अभी लेस्टर को कॉल लगा लेता हूँ। तो ओके गाइस यार, मेरी जो है ना लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर भाई साहब अपना आराम से सो ही गया, वो मुझे बोल रहा था कि मुझे लोकेशन पता चल गई, उसके बाद मैं सो ही गया था भूल से, मुझे याद ही नहीं था। तो अभी वो मुझे लोकेशन दो मिनट के अंदर अंदर भेज रहा है। तो उस लोकेशन पे जाते ही आज तो बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है जिमी का। तो मुझे जिमी को जिस मर्जी हालत में बचाना तो पड़ेगा ही। तो बाकी गाइस देखते हैं। तो ओके गाइस यार, हमको जो है लोकेशन आ चुकी है, लेसर ने हमको लोकेशन भेज दी है। भाई अब तो बहुत खतरनाक फाइट वहां पे होने वाली है और मुझे अभी तैयार रहना पड़ेगा इस फाइट के लिए। तो मैं अभी जल्दी से निकलता हूँ फाइट की जगह पे और जिमी को जैसे मर्जी हालत में छुड़ा के लेके आता हूँ। और जिमी को शायद हो सकता है पता हो अमांडा और ट्रेसी की लोकेशन भी, शायद, या तो फिर हो सकता है उसी जगह पे अमांडा और ट्रेसी को भी उन्होंने कैद करके रखा हो, तो बाकी कुछ नहीं पता। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ लेस्टर की दी हुई लोकेशन पे। तो ओके गाइस यार, हम आ चुके अपनी गाड़ी को भगाते भगाते काफी ज्यादा दूर तक। और गाइस आप लोग लिटरली देख पा रहे हो, बस जो वो लोकेशन है ना वो यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, काफी ज्यादा गंदी लड़ाई होने वाली है। मुझे अब पता चल रहा है कि वहां पे अभी बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा ही था कि जिमी की उन्होंने क्या बुरी हालत कर रखी है। और यहाँ पे मेरे को लोकेशन तो भाई साहब यहाँ की ही आई है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे मुझे अंदर कहाँ से जाना है। बट ये तो दरवाजे बंद पड़े हैं भाई, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइज यार पार्किंग है भाई। बट गाइज मुझे अंदर कहाँ से जाना है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। वेट अ मिनट, कहीं मुझे इधर तो नहीं जाना भाई साहब। लोकेशन तो यहीं की शो कर रहा था यार, भाई मुझे तो नहीं लग रहा भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, ओ भाई गाड़ी ठुक गई यार बिना मतलब के यार। ओ भाई ये तो खुल रहा है भाई साहब, गाइस अंदर देख रहे हो, यहाँ पे तो ब्लैक ऑप्स की गाड़ियां रखी हैं भाई। मुझे यहाँ पे अंदर छुपना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरे भर के वेपन्स हैं, तो मुझे यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बैठ के देखना पड़ेगा कि कोई बंदे बंदे भाई यहाँ पे बंदे तो है नहीं यार, बाकी बंदे है कहाँ पे वही समझ में नहीं आ रहा। वेट अ मिनट भाई, एक सेकेंड, अंदर भाई गोली चलने की आवाज़ें आ रही हैं, कौन है? ओके चल तेरी ऐसी की तैसी भाई। ओ नहीं 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 भाई, मुझे लग रहा है उनको पता चल गया भाई साहब। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, हेडशॉट मारूंगा आ तेरी, रुको भाई मुझे ना गन दूसरी लेनी पड़ेगी भाई साहब। कैसे कर रहा है, एक सेकंड इसके तो ग्रेनेड मारूंगा ना, इनको तो पता चलेगा, ऐसे ग्रेनेड मारने वाला हूँ इनके तो मैं, इनके गाड़ियां भी ब्लास्ट कर देंगे भाई। भाई साहब ग्रेनेड देख रहे हो कैसी जगह पे गया, बॉट का इस गाड़ी देख रहे हो बिल्कुल ब्लास्ट नहीं हुई भाई साहब। चल तेरी ऐसी की तैसी, इनको तो ग्रेनेड से ही उड़ाएंगे भाई। जिमी को किडनैप करा है ना तुम लोगों ने, तुम लोगों को मैं बताता हूँ। चल भाई चल तू भी निकल यहाँ से, तो अभी मुझे गन चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे अंधाधुंध फायर करना पड़ेगा। वेट भाई, यहाँ पे काफी ज्यादा बंदों की रोने की आवाजें आ रही हैं। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ओ भाई एक सेकंड, चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तू भी निकल, तू भाई किधर से फायर कर रहा है यार, तू भी निकल ना भाई। इनकी गाड़ियां भी मुझे ब्लास्ट ही करनी पड़ेंगी, गाड़ियां इनकी गाड़ी के पीछे खड़ा होकर मार रहा है तेरी ऐसी की तैसी, चल ना यहाँ से। और एक इधर भी गाड़ी खड़ी है, मुझे लग रहा है इधर भी कोई बंदा ना हो जो छुप के बैठा हो। गाड़ी देख रहे हो गाइस, क्या ही बढ़िया गाड़ी है यार, इनकी ब्लास्ट नहीं हो रही। कौन सा बंदा चिल्ला रहा है भाई, अरे यार इनकी गाड़ी ही ब्लास्ट नहीं हो रही, मुझे लग रहा है ब्लास्ट हो जाएगी, बिल्कुल होगी। चलो गाइस
हमने यहाँ के सारे बंदे खत्म कर दिए हैं। तो गाइस यार मुझे अब मैं सोच रहा हूँ इस वाले रूम में पहले जाऊँ, इसमें कोई है या नहीं है। एक सेकंड भाई, ध्यान से जाना होगा, बाद में पता चले कोई बंदा। ओ भाई नहीं है कोई भी यहाँ पे, तो कोई नहीं है। वेट अ मिनट, और यहाँ पे भी आई थिंक सो कि नहीं है कोई। बंदों की आवाजें तो आ रही हैं, बट है कहाँ इस रूम में? तो चलो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। बट मुझे लग रहा है इन दोनों रूम्स में होंगे। अरे यार इन्होंने जिमी को कहाँ किडनैप कर रखा है भाई? एक सेकंड नहीं 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 नहीं, चल जाओ भाई। ये मुझे लग रहा है अकेला ही था यहाँ पे। तो ये गेटों के, ये दरवाजे के पीछे भी मुझे लग रहा है बंदे हो सकते हैं। ओ भाई नहीं 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 भाई, यहाँ पे भी बंदा है। ओ भाई एक तो ये मरने पे ही नहीं आते, पता नहीं क्यों भाई, किसी हिसाब से इनको ट्रेनिंग दे रखी है। ये देख लो गाइस मैं उसको कैसे मार रहा हूँ, बंदा मर ही नहीं रहा। और तू तो चल पहले, इनके हेडशॉट ही मारना पड़ेगा तभी जाके ये मरते हैं, नहीं तो ये मरने पे ही नहीं आते। चलो गाइस, और मुझे लग रहा है इसके पीछे भी नहीं है भाई। अब तो सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे भाई, छुपके बैठा है। एक सेकंड, गन रीलोड करी मैंने, और यहाँ अच्छा सॉरी ये तो मैं खुद ही हूँ, ये तो मिरर है भाई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लग भाई इस दर एक सेकंड, ये तो सॉरी बाथरूम था ना, मुझे लग रहा है ना ये मेन दरवाज़ा है भाई, मुझे इसी दरवाजे से पहले देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस दरवाजे के पीछे बंदे हो सकते हैं, क्योंकि इस दरवाजे के आगे एक और दरवाजा है। बेटा मिनट, भाई 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 साहब क्या ही लाइन लगा के खड़े हैं ये तो। ना 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 ना, ना चल चल भाई। एक सेकंड ओ भाई 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 भाई, ओ भाई क्या ही गलती कर दी मैंने, बच गया भाई साहब। चल भाई ग्रेनेड इनके फेंकूंगा। चल भाई ओए नहीं 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 नहीं, इधर तो नहीं है कोई बंदा, बच गया भाई, कोई नहीं है इधर तो। चलो गाइस इनकी लाशों को भी आग लग गई। अब गाइस मुझे अपना देसी कट्टा निकालना पड़ेगा, मुझे पता है इसके पीछे बंदे होने वाले हैं, जो कि मेरे को पता है, मुझे लग रहा है पता कि इसके पीछे ही जिमी को इन्होंने किडनैप कर रखा है। चल भाई देसी कट्टा तो जब एक मुंह पे लगता है ना बंदा घूम जाता है पूरा। चलो गाइस यहाँ पे तो मुझे क्या ही मारना है। वेट भाई पहले एक मिनट रीलोड कर लेते हैं इसको। ओ भाई 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 साहब एक मिनट, इसके पीछे बंदा तो है, चलते रही। ओ भाई 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 यहाँ पे करंट लगा रखा था क्या, कैसे बंदे को करंट लगा? और नीचे भी मुझे पक्का पता है बंदे हो सकते हैं। चल भाई देसी कट्टे का एक शॉट जब लगता है ना बंदा पूरा ही घूम जाता है। चल भाई ओ चल तेरी, तू भी निकल। चलो गाइस इनको तो मैंने मार दिया है, अभी मुझे लग रहा है जिमी इधर ही नीचे होगा, नीचे की नीचे बेसमेंट बना रखी है। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, वेट अ मिनट भाई, रीलोड नहीं करी थी गाल। चल अब जिमी किस जगह पे है मुझे ये देखना पड़ेगा। तो अभी गाइस मुझे इस वाले रूम में देखना पड़ेगा कौन बनते हैं या कौन नहीं। ओ भाई ओ इसको क्या हुआ भैंस की, ओ भाई किधर से मार रहे हैं ये, वेट अ मिनट। ओ भाई चल तू भी नीचे, कौन है तेरी ऐसी की तैसी भाई? अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है इन सबका, ये ब्लैक ऑप्स लड़ रहे हैं माइकल से, और माइकल अकेला आया है, और गाइस माइकल जो है ना वो अकेला आया इन सब से लड़ने के लिए। चल तेरी, अभी मुझे ये वाला चेक करना भैंस की। भाई यहाँ पे तो मुझे शॉट गन चलानी पड़ेगी तुम्हारी। चल 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 भाई साहब, चलो कैसे ही कांपा दिया मैंने इन सबको। तो चलो गाइस अभी मुझे इन सबको मारना पड़ेगा तेरी है। गाइस जिमी इधर है, वेट। ओ भाई ये तो कांच लगा हुआ है भाई, जिमी। गाइस लिटरली जिमी की आप हालत देख पा रहे हो, मुझे अंदर इसके पास कोई तगड़ी गन लेके जाना पड़ेगा, जिसका बहुत तगड़ा शॉट होगा, डैमेज होगा। एक सेकंड, मुझे तेरी भाई साहब। चल तू भी निकल
मर गया ना ये भाई साहब। जिम्मी की हालत देख पा रहे हो गाइस, मुझे जिम्मी को चेक करना पड़ेगा। तो गाइस यार जैसे ही मैंने भाई जिम्मी को उठाया ना, तो गाइस आप लोग लिटरली देख पा रहे हो जिम्मी कैसे तड़प रहा है भाई, क्योंकि गाइस इन्होंने इतना ज्यादा जिम्मी को मारा ना भाई। मैं फिर भी इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, जिम्मी उठ जा भाई, बहुत तड़प रहा है यार बेचारा। तो ओके गाइस यार आप लोग लिटरली देख पा रहे हो भाई, मैंने जैसे तैसे मर्जी करके जिमी को उठा तो लिया, बट गाइस लिटरली देख पा रहे हो जिमी की कितनी बुरी हालत हो रखी है, कितना खून इसके कपड़ों में लग रखा है और उसकी आंख, पता नहीं आंख को क्या हो गया। तो बाकी गाइस जिमी को, जिमी कब से मेरे को गन मांग रहा है मेरे से, तो मैं इसको एक गन दे देता हूँ। तो ओके गाइस यार मैंने ना जिमी को एक गन पकड़ा दिया, मशीन गन बहुत तगड़े वाली, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैंने बाहर बंदे मारे ना, बंदे तो भाई बाहर आएंगे और भी हमको खत्म करने के लिए। तो मैं जैसे ही जिमी को बोल रहा हूँ जिमी थोड़ा बाहर देख और जो तेरे को मिलता है उनको खत्म कर। तो गाइस यार जिमी भी लग चुका है यहाँ पे, और भाई बंदे हैं बाहर, जिमी भी भाई गन चला रहा है। तो ओके भाई हमको ध्यान से जाना होगा, एक बंदा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था, छुप के ओ भाई भाई एक सेकेंड, चल तेरी, चल जिमी तू आगे चल। तो चलो गाइस जिमी देख पा रहे हो आगे जाके बंदों को मारने पे लगा हुआ है, और भाई मैं इधर बंदों को खत्म कर रहा हूँ, जिमी उधर बंदों को लगा हुआ है खत्म करने में। तो गाइस जिमी जो है ना वो देख पा रहे हो भाई, वो भी बंदे मार रहा है और वो बोल रहा है पापा तुम भी मारो, और गाइस जिमी जो है वो बाहर की तरफ जाके बंदे मारने पे लग चुका है। तो बाकी मैं इनको उड़ा देता हूँ, बाकी जिमी तो बाहर चला गया है। वेट अ मिनट, जिमी देख पा रहे हो गाइस, तो गाइस जिमी देख पा रहे हो सारे बंदों को मारता हुआ जा रहा है, बट यहाँ पे मैंने देखा नहीं, और जिमी ने देख पा रहे हो कितने सारे बंदे मार दिए, और जिमी इधर गया है बंदे देखने के लिए, चल तेरी तेरी ऐसी की तैसी। तो गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो जिमी ने काफी सारे बंदों को खत्म कर दिया अकेले ने, गाइस लिटरली बहुत खतरनाक गन चलाता है भाई ये बंदा। तो भाई अगर हम यहाँ पे आए हैं तो सारे बंदों को खत्म करके ही जाएंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बंदा होगा। चल 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 जिमी तू चल। तो गाइस जिमी अंदर जाके भी देख रहा है भाई, एक सेकेंड कौन है बाहर, कोई नहीं है। तो चलो गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, चलो गाइस हम ना यहाँ से बाहर चलते हैं। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे गाइस हमने, ओ भाई साहब बाहर भी काफी सारे बंदे आ गए, और भाई जिमी भी लगा पड़ा है सबको मारने में, भाई साहब जिमी ने काफी सारे बंदे खत्म कर दिए, और भाई जिमी काफी सारे बंदों को मार रहा है, और ऊपर से भाई इधर भी बंदे आ रखे क्या, जिमी मारने पे लगा पड़ा है भाई। भाई मेरे को पता ही नहीं था जिमी में इतना ज्यादा टैलेंट है भाई, बंदे को गन भी चलानी आती है। तो भाई उसने आरपीजी निकाल लिया भाई, कहाँ मार रहा है, ओ भाई भाई सब क्या ही तबाही कर रहा है जिमी, इसको क्या हो रहा है जिमी को, भैंस की भाई आग देख पा रहे हो कैसे आ रही है, और भाई साहब इसको भी लगाने को आग लग गई इसको भी। वेट अ मिनट भाई इसको जलने दो, फिर बाहर निकलते हैं यार। तो भाई इसको चलो मैं भी लगा देता हूँ आग। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। तो बाकी गाइस अभी मैंने जिमी से बात कर ली है, जिमी मेरे को गाइस बोल रहा है कि जिमी को सारी लोकेशन पता है कि कहाँ पे अमेंडा ट्रेसी सबके सब किडनैप है। भाई साहब ये तो डगन बॉस, और भाई साहब उसकी कितनी सारी सेना यहाँ पे पहुंची है, भाई मुझे यहाँ पे बचना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा भाई ये मुझे जाने देंगे, और मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता, और मुझे लग रहा है मुझे वापस नीचे ही जाना पड़ेगा। भैंस की टांग भाई, डगन बॉस यहाँ पे पहुंच चुका अपने ब्लैक ऑप्स को लेके माइकल को मरवाने के लिए। तो बाकी गाइस जिमी को भी पता है अमेंडा और ट्रेसी कहाँ पे है, बट गाइस आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो भाई डगन बॉस और उसके सारे ब्लैक ऑप्स आ चुके हैं माइकल और जिमी को खत्म करने के लिए। मुझे तो लग रहा है भाई आज माइकल और जिमी बचने नहीं वाले, पता नहीं अब गाइस इनके साथ क्या होने वाला है। तो ओके गाइस करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.